जी सही तो कह रहा है, आप ना थोड़ा इससे प्यार से समझाओ, तब जाके ना इसके कुछ पल्ले पड़ेगा। ये नालायक प्यार से सीखने वाला नहीं है, ये लातों के भूत है, बातों से मानने वाले नहीं है। एक गुरशरण इसे समझा दे, वरना मेरा इस पे हाथ उठ जाना है। ओहो जी, अब बस भी करो, आप है ना पीछे पड़ जाते हो। अब जाओ अपना काम करो, मैं समझाती हूँ। समझा देना इसे, समझा देना अच्छी तरह से, मुझसे जबान ना लड़ाए, वरना वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर रोता रहेगा। मैंने कह दिया ना जी, समझा दूंगी, अब जाओ आप अपना काम करो। जी पुत्र, क्यों करता है तू ऐसे? मेरे बच्चे, तू ना सुन, तू अपने पापा की बातों का ना बुरा मत माना कर, आखिर है तो तेरे पिता ही ना। पर माँ, कोई पिता अपने बच्चे से ऐसे बात करता है क्या? अरे उनका ना प्रॉब्लम ये है कि वो ना अपनी आदत से मजबूर है। अब तेरे दादाजी थे ना, वो उनके साथ ऐसे ही व्यवहार करते थे। अब जब देखो दोनों में तू तड़ाक लगी रहती थी, अब वही चीज वो तेरे साथ कर रहे। लेकिन मम्मी जी, मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा, मेरी भी कोई इज्जत है, स्वाभिमान है, एक दिन घर छोड़ के भाग जाऊंगा मैं। ओए खबरदार, जो फिर ऐसी बात की तो, मैं तो प्यार करती हूँ ना तुझसे, अपनी माँ को छोड़ के जाएगा? और अपनी बहन, बहन के बारे में कुछ सोचा है? क्या हो गया? घर छोड़कर जाएगा, बड़ा आया। क्या हो गया मम्मी जी, क्या हुआ? कुछ नहीं पुत्र, वही बाप बेटे का रोज रोज का झगड़ा, मैं तो परेशान हो गई हूँ।